आ रहा है, मतलब सोचिए हमारे फौजी डटे हुए हैं लोग, इन लोग को ठंडा लग रहा है। यही थे सर जो 2 महीना पहले बोलते थे सर कि चाइनीजों को गर्म खाना मिलेगा, अरे लोल कहेंगे तो जिसको तुम खाना कहता है ना उसको हम लोग नाश्ता कहते हैं। चाउमीन बर्गर से हिंदुस्तान वालों को पेट नहीं भरेगा, वो एसोफेगस में जाकर अटक जाएगा। यहाँ चाउमीन से किसका पेट भरता है, वहाँ खाए हम लोग तो चाउमीन देखता है कोई नहीं देख रहा था, आदमी हाथ से उठा के खा जाता है, तो लकड़ी लेके खाते रहता था, कहता था कि हम लोग कमजोर है। तेरे नाम मूवी देखे, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है, अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे हाँ, मारता है तो क्या हो जाता है, पूरा उसका ब्रेन ही गड़बड़ा जाता है, समझा गया कि नहीं। गल दे बहुत खतरनाक, दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। बढ़िया था। बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है चंदा मामा, और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तूने, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है, अरे अरे भाले। तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है, करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चैछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं, कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे, ऐसे लोग को यो भरोसा नहीं होता है कि ससुरा अपने बाप के हैं कि नहीं। रुको जरा, सबर करो। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे सर, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे ऐसे ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोए, हाथ से पकड़ के मुड़िया ऐंठ दिया, कैसे जरा चाय चुई करता है हमारे यहाँ। बेरोजगारी होता ही नहीं है। आइए मैडम यहाँ पर, ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना, ट्विटर मतलब मोबाइल वोबाइल चोरी हो गया है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए, वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल हैं। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं, देखिए खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते। जगह मोदी जी क्या करते हैं उस बहुत ध्यान रखते हैं इसका, जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो वैसा पहनावा पहन लेते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं। आप इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से देखे होंगे, शायद इसीलिए मोदी जी बंगाल का चुनाव है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए शायद दाढ़ी रख रहे हैं, या हो सकता है कि क्रिश्चियंस के लिए सेंटा क्लॉज बनने जा रहे थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। अगर उसे परमानेंट समझने लगते हैं तो फिर आपकी बर्बादी होगी, समझा गया कि नहीं। मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला, उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। जोड़ पाए हैं, अगर हम अपनी नदियों को जोड़ देते तो ये समस्या ही नहीं आता। आप ये देखिए, ये रेड कलर वाला नेपाल है, बाकी ये पीला कलर से ये वो राज्य हैं जो नेपाल से सटते हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आज नहीं तो कल अब नेपाल पूरी तरह से चाइना के इशारा पर ठुमका लगा रहा है, उस दूसरा हर राज्य में आपको अड़ंगा उत्पन्न करेगा। तो आप किसको किसको समझा दीजिएगा भाई, आप बारिश होता है तो पानी को थोड़ी रोकते हैं, आप छाता लगाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को पहले से रेडी रहना चाहिए कि हमारे पास जो इतना एक्सेस पानी आता है उसको हमको ड्रेनेज करने का व्यवस्था नहीं है। अपने पड़ोस में देखिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान में नहरों का जाल
बिछा दिया, पाकिस्तान में इतनी नहर बना दी है अपने नदियों पर कि 1965 की लड़ाई में हमारे सैनिक जब घुसे थे सब इछुगिल नहर में, तो नहर में फंस गए थे सब, इतना ज्यादा उसने डेवलप किया अपने बांध को, खास करके उसने डैम पर काफी ज्यादा वर्क किया। और हम लोग ने क्या किया, कुछ नहीं, अब तक नदियां नहीं जुड़ी हुई है, बाढ़ आता है तो हजारों लोग मर के जाते हैं, बह जाते हैं, गांव का गांव बह जाता है। भारत सरकार को अपनी नदियों को जोड़ने के लिए दो स्टेप लेना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहां पर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये नेपाल है। अब बताइए ना, खुद से देख के बताइए, बंगाल की खाड़ी और नेपाल के बीच में कौन सा दूरी है, और यहां बीच में गंगा नदी है। हम लोग को केवल लिंक करना है यहां से, ताकि एक्स्ट्रा पानी हो तो सीधे हम लोग निकाल सके, बंगाल की खाड़ी में समुद्र में चला जाए, लेकिन आज तक इसको भी नहीं जोड़ पाए हम लोग। तो ये तो एस्केप प्लान होना चाहिए कि अगर हमारे पास सरप्लस पानी हो गया तो कहां से भेज देंगे, सीधे चला जाए वहां पर, नदियों के रास्ते ना भेज के हमको यहां से कैनाल बनाकर भेजना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। दूसरा कि हम लोग को अपनी नदियों को जोड़ देना चाहिए प्रॉपर नदियों को, जैसे उत्तर भारत जो होता है ना बाढ़ में डूब जाता है, जबकि आप दक्षिण भारत में देखिएगा महाराष्ट्र के एरिया में तो किसान बेचारे सूखा पड़ने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो यहां सूखा है वहां पे पानी है, अगर हम लोग इसको जोड़ देते तो ऊपर भारत के नदियां जो है वो बाढ़ नहीं आती, वो बेचारे बाढ़ से नहीं मरते और ये सूखा से नहीं मरते। यहां पर इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है बाढ़ की वजह से, कोई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगती है, कोई फसल बर्बाद हो जाती है, और यहां की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है सूखा की वजह से। हम लोग इन दोनों समस्या को एक ही बार में सुधार सकते हैं, लेकिन आज तक क्या जुड़ पाया, नहीं जुड़ पाया। हमारे देश के अधिकारी लोग प्लान बना रहे हैं कि जैसे भी लगेगी खोदने में, 1 किलोमीटर खोदने में 18 लाख रुपए का खर्चा आएगा, काफी टाइम लगेगा, यहां से यहां तक नहरों को मिलाना है, इस नदी को उस नदी से। अरे भैया आप डेटोनेटर लगा के उड़ा ना दीजिए। देखिए हमारी सेना में जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं, बारूद होते हैं विस्फोट करने के लिए, हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है, जैसे दवाओं का एक्सपायरी डेट होता है, बारूद बम का भी होता है कि भैया इस समय के बाद ये उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। हमेशा हर साल कितने कौन पूछ रहे हैं लार में कौन से एंजाइम पे, मतलब आपको अभी समझ नहीं आ रहा है बबुआ, यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे हैं, पहले कंप्लीट कर लेना बबुआ, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, तो मतलब पागल मत किया कर बाबू, दांत पढ़ा रहे दांत पे रहो। लार में बोलेगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, पता है तुम लोग इतने पढ़े होगे, लार में 4 तरह का एंजाइम पाया जाता है, फेल होकर चलाओगे एग्जाम में, यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है, डाइस्टेज पाया जाता है, म्यूलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, पागल हो क्या? अभी कोई पूछेगा पेट में क्या पाया जाता है, बेवकूफ कहीं का पे मुंह में तो पहुंचने दे दांत से। आपको सबको कहते हैं शांति से पढ़िए, ज्यादा इधर उधर रहेंगे ना फेल होकर चल जाएंगे। आप जितनी आपकी औकात है ना सवाल पूछने की, हम वहां से सवाल बताना चालू करते हैं। आप एक चीज का आप यही सुनना चाहते होंगे टाइलिन, अजंते हो जो पूछ रहा है ना उसको पता होगा टाइलिन, और उसको बता रहे क्या है, लूसेंट में लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में। अरे हम लड़कों को ऑफलाइन पढ़ा के कितना लाख लड़कों को पढ़ा दिए, सब जानते हैं इनसे की मेंटली, तो जो तनी सा जान जाता है बड़ी कूदता है। तो देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहले यहां समझते रहिए, दांत टॉपिक है तो दांत समझिए। जब लार पढ़ाएंगे ना लार ग्रंथि, तब लार का पूछेगा, उस समय पूछेंगे कि सर जी बवासीर कैसे हो जाता है, बकलोल कहीं का ब्लॉक कर देंगे तो शांत हो जाएंगे। बायोलॉजी की क्लास में आप ज्योग्राफी की पीडीएफ की चर्चा कीजिएगा, मतलब जब पीडीएफ पढ़ाएंगे तो क्या उस समय सुसाइड करने वाले हैं आप? 20 बार समझा रहे हैं कि मत कर इसमें ज्योग्राफी का कमेंट, जो सब्जेक्ट है वही कर दो, बार बार इसको अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बोल देना उस समय क्या समस्या है। मिर्जापुर में जितनी गालियां बनी है ना सब ऐसे ही सबके लिए बनी हुई है, बेवकूफ को समझा समझा थक गए एकदम। अरे भाई कहीं के पीडीएफ में एक जगह उसके ज्योग्राफी के पीडीएफ में किसी में फिगर ऊपर नीचे हो गया वहां बता देंगे, और फिगर यहां बना के दिखाई है। अरे कभी कभी इसमें भी दिक्कत हो जाता है, आप अपने मटेरियल में तो यहां इसीलिए तो लिख देते हैं। महाराज हमको भी राजा बनना है, आप तो अब बुढ़ौती में रिटायरमेंट ले लीजिए, इधर उधर खोज रहे हैं। अब ये दिक्कत में आ गया कौन, अजात शत्रु, तो इसको चढ़ा दिया सब, इसका सार और था सब, पत्नी थी अगल बगल वाले का, एक काम करना ले भाला मार दे बाबूजी को, जाके मार दिया बाबूजी को, ऐ ससुरा कहीं का ब्याह करता है बुढ़ौती में। तो इसे कुणिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुणिक, और पितृहंता कहते हैं, क्या कहते हैं, पितृहंता, क्या कहते हैं। हालांकि पूरे मिर्जापुर मूवी में सब ससुरे अय्याश थे, सब कालीन भैया को छोड़ के। तो इसका बेटा आया उदयन, भाला मार दिया अपने बाबूजी को, ये माला मारा किसको, इसको मार दिया उदयन, कौन मार दिया उदयन, उदयन ने किसको मार दिया, अजात शत्रु, काल शत्रु अपने ब्याह शादी करेगा, अपने राजा बने, हमारा मन नहीं है, मार दिया यहाँ पे। और उदयन जो था ये अपने बेटा से पूछता था, बेटा तुमको जब ब्याह करना है तो तुरंत बोलना है, ये ना कि तू भाला लेके मार दे हमरा, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। We'll be right back.